वेलकम फ्रेंड, आज हम जानेंगे इटामसिलेट इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस इंजेक्शन के पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में और इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में और इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें और सबसे लास्ट में जानेंगे इस इंजेक्शन की डोजेस के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे इटामसिलेट इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस इंजेक्शन के पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। तो जैसे कि इंसुलेट इंजेक्शन, ये इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। इथासिल इंजेक्शन, ये इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। इथामो इंजेक्शन, ये इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। और इटामसिलेट इंजेक्शन, ये इसका जेनिक नाम होता है, मतलब कि ये इसका कॉम्पोजिशन होता है। तो इटामसिलेट और इथामसिलेट दोनों एक ही कॉम्बिनेशन होता है। और अब हम जानेंगे इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में। यूजेस ऑफ इथामसिलेट इंजेक्शन, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग, मतलब कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल रक्तस्राव मतलब कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। तो ब्लीडिंग कई कारणों के कारण हो सकती है, चोट लगने के कारण ब्लीडिंग हो सकती है। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हैवी पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और सर्जरी के कारण ब्लीडिंग हो रही है तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और नोज से ब्लीडिंग होने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम जानेंगे इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि स्किन रेस, मतलब कि त्वचा पर लाल लाल चकत्ते होना, वोमिटिंग मतलब कि उल्टी होना, हेडेक मतलब कि सिर दर्द होना आदि। और अब हम जानेंगे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू यूज इटामसिलेट इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन को आई एम मतलब कि इंट्रामास्कुलर, और आई बी मतलब कि इस इंजेक्शन को आई एम और आई बी दोनों प्रकार से लगा दिया जा सकता है। और अब हम जानेंगे इस इंजेक्शन की डोजेस के बारे में, मतलब कि मात्रा के बारे में। तो इस इंजेक्शन को एडल्ट के लिए आईवी और आईएम दिन में 2 से 3 बार मरीज की कंडीशन के अनुसार लगा दिया जा सकता है। दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।